News 18, India. और अब इस वक्त की एक बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल के संदेश खाली हिंसा मामले में दूसरी बहुत बड़ी गिरफ्तारी हो गई है। फरार टीएमसी नेता शाहजहां शेख के करीबी शिबू हाजरा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। संदेश खाली में महिलाओं ने टीएमसी कार्यकर्ता शिबू हाजरा पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। अब इस केस में ये बहुत बड़ी गिरफ्तारी मानी जा रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, पश्चिम बंगाल के संदेश खाली हिंसा मामले में ये दूसरी और बड़ी गिरफ्तारी हुई है। शिबू हाजरा जो शाहजहां शेख जो इस वक्त फरार है उनके बेहद करीबी बताए जाते हैं। शिबू हाजरा को हम लोग नजाट पीएस एरिया से अरेस्ट किए हैं। अब तक शिबू को लेके 18 लोग अरेस्ट हुए हैं और बाकी जो केसेस हैं, जो भी कंप्लेंट्स हमें मिल रहे हैं उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। जैसे जैसे प्रोग्रेस होगा वैसे हम अपडेट देते रहेंगे। लेकिन टीएमसी ने अपने नेता शिबू हाजरा का बचाव किया है। कुणाल घोष ने कहा कि गिरफ्तारी से कुछ भी साबित नहीं हो जाता है। हाजरा अरेस्टेड हुआ है, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन सरकार वो राज धर्म का पालन कर रहा है, वही चल रहा है। ये अरेस्ट का मतलब ये नहीं है जो झूठा इल्जाम अभी चल रहा है वो लगातार रेप मोलेस्टेशन के बारे में, एक अरेस्ट ये नहीं प्रूफ करता वो एलिगेशन सच है। थोड़ा बहुत लैंड डिस्प्यूट, नॉन पेमेंट डिस्प्यूट उधर में है, लेकिन ऑपोजिशन जो कह रहे हैं वो ठीक नहीं है। अभी दूध का दूध पानी का पानी सब हो जाएगा। और इससे पहले पुलिस ने 10 फरवरी को शाहजहां शेख के एक दूसरे करीबी उत्तम सरदार को गिरफ्तार कर लिया था। उत्तम सरदार भी टीएमसी का कार्यकर्ता है जिस पर संदेश खाली की महिलाओं ने उनका शोषण करने का आरोप लगाया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 10 फरवरी को एक करीबी की गिरफ्तारी हो चुकी है, अब दूसरे करीबी की भी गिरफ्तारी, यानी कि इस मामले में एक्शन भी अब बहुत तेजी के साथ लिया जा रहा है। आपको ये बता दें, उत्तम सरदार को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है, अब शिबू हाजरा का भी नंबर आ गया है। उत्तम सरदार भी टीएमसी का ही एक कार्यकर्ता है और इस पर भी संदेश खाली की महिलाओं ने उनका शोषण करने का आरोप लगाया था। और अब गिरफ्तारी के बाद ये माना जा रहा है कि क्या और भी करीबियों पर शिकंजा कसा जा सकता है। और न्यूज 18 इंडिया की टीम भी जब संदेश खाली पहुंची तो वहां की महिलाओं ने टीएमसी के नेताओं का बाकायदा नाम लेकर उन पर संगीन आरोप लगाए थे। রাতের বেলায় আমরা এইসব মানে যখন দুর্যোগ আসে বাঁধ ভেঙে যায়, এই বাঁধ গুলো আমরা রাতের ভূমি নষ্ট করে গিয়ে আমরা মাটি কাটতে কেটে নিয়ে চলে যাবে, প্রতিবাদ করতে পারবো না। ভেড়ি কেটে নিয়ে চলে যাবে, আমরা প্রতিবাদ করতে পারবো না।